आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एंड इन जेस्ट तो आप यहां पे देख रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि मैंने एक इसके ऊपर छोटा लेक्चर तैयार किया है जिसमें ये बातें हम डिस्कस करेंगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये इसका एग्जाम्पल लेके हम बडिंग को डिस्कस करेंगे और उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होती है उसको डिस्कस करेंगे ये वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है दोस्तों और एक तरह से आप इसको इंट्रोडक्शन मान के चल सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के और आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो बने रहिए चैनल के साथ और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए रिप्रोडक्शन जो ईस्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेंगे यीस्ट सेल का वो किस तरह से होती है और कौन कौन सी जो स्टेप्स हैं वो रहते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेंगे हम सेक्रोमाइसिस सर्विस का इसको बेकिंग यीस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये यीस्ट जो होती है वो बेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें यूज़ होती है तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करते हैं स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो जो डॉटर सेल्स होंगी वो क्लोन एक तरह से नो no वेरिएशन होगी उनमें यानी दूसरा एक पॉइंट है कि नो वेरिएशन इन दी डॉटर सेल्स अगर वेरिएशन नहीं होंगी तो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल आ सकती है तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें वेरिएशन आती है जो जो डॉटर सेल को स्ट्रांग बनाती है रिप्रोडक्शन में यूजुअली क्या, तो क्या होता है कि वन कॉपी ऑफ जीन कम्स फ्रॉम वन पेरेंट एंड अनदर कॉपी कम्स फ्रॉम द सेकंड पेरेंट और जब वो फ्यूज होते हैं तो जो डॉटर सेल की कंस्ट्रक्शन होती है या प्रोजेनिजिनको हम कहते हैं अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि वन पेरेंट से आपके पास एक डिफेक्टिव जीन आ रहा है और दूसरे जो पेरेंट से है उसमें वो पर्टिकुलर जीन जो है वो नॉर्मल है उसके केस में क्या होगा कि जो नॉर्मल जीन है वो रिप्लेस कर देगा डिफेक्टिव जीन को यानी बैक बैकिंग अप ऑफ द जीन गए इसमें तो अब आते हैं चलिए यीस्ट में एग्जांपल लेके उस रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है यहाँ पे जो सेल बना रहा हूँ मैं ए और बी लिख रहा हूँ इनको ये हैप्लॉइड सेल्स मान के चलिए आप यीस्ट के केस में और जब इनकी मेटिंग होगी तो डिप्लॉयड सेल की कंस्ट्रक्शन होगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी मैंने मेंशन कर दिया है कि आधा जो पार्ट है वो ए सेल से आएगा आधा जो पार्ट है वो बी सेल से होगा तो वाई द प्रोसेस ऑफ मेटिंग जिसमें क्या होगा कि सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम ईच पेरेंट से कंट्रीब्यूशन ईच पेरेंट के द्वारा जो उसकी कंट्रीब्यूशन होगी तो डिप्लॉइड सेल आपके पास आ गई है उसके बाद क्या होगा वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ डिप्लॉइड सेल होगी और अब यहाँ पे आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जो कि होगी वाया द प्रोसेस ऑफ बडिंग बडिंग में क्या होगा कि जो वेजिटेटिव डिप्लॉइड सॉरी जो डिप्लॉइड सेल है ये सेल है वो एक बड फॉर्मेशन करेगी और एक अनदर सेल के प्रोडक्शन होगी वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट इज द बडिंग द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग अब जब जो वेजिटेटिव uh, uh, जो आपके पास डिप्लॉयड सेल हैं वो अंडर गो करेगी मियार्सिस uh, उसमें क्या होगा अंडर द इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक स्टारवेशन जब उसको स्ट्रेस होगा तो वो पर्टिकुलर सेल द प्रोसेस ऑफ मियार्सिस होगी उसमें और लेटर क्या होगा कि वो जो है उनकी आउटर मेमब्रेन रैप्चर होगी और वो रिलीज होंगे और एज ए ह्लॉयड सेल वो काम करते हैं तो ये फिर उसके बाद अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा जिसमें हेप्लॉयड सेल्स अगेन जो है वो द प्रोसेस ऑफ मेटिंग डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद जो डिप्लॉइड सेल जो है प्रोसेस ऑफ बर्डिंग जो है वो ए सेक्सुअल कर सकती है या अंडर द अंडर द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन वो जो पर्टिकुलर सेल है मियोसिस का प्रोसेस फॉलो करके एस्किस फॉर्मेशन कर सकती है और अगेन ये पूरा साइकिल जो है रिपीट होगा तो इसमें मैंने आपको एक जनरल जो है आइडिया देने की कोशिश की है जिसमें बताने की कोशिश की देखिए कि जो यीस्ट हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और ए सेक्सुअल रिपोडक्शन भी होती है ए सेक्सुअल रिपोडक्शन का अगर टिपिकल एग्जाम्पल लिया तो बैक्टीरिया केस में ए सेक्सुअल रिपोडक्शन जिसको हम बाइनरी फिशन भी कहते हैं वो होती है और यीस्ट में आपने देख लिया है यहाँ पे कि जो मीटिंग प्रोसेस और मीटिंग हो रही है इसके फॉर्मेशन हो रही है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं और जो बडिंग है वो ए सेक्सुअल रिपोडक्शन दिखा रहा है यीस्ट के केस में तो ये जो है इसको आप एक स्टार्टर मान के चलिए दोस्तों आपको जो है डिटेल में अगर आप इसको जानना है तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो है स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और अपने फ्यूचर वीडियो में हम ये सारी बातें जो है डिस्कस करेंगे ही करेंगे दोस्तों तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ऐसे इस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी वीडियो बना के लेके आ सकूँ और उन वीडियोज़ में डिटेल में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज जो है हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की नॉलेज ऑन सेक्सुअल एंड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन येस्ट इसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस की इसी तरह के जो है नए वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा मैं और अगर आपको इस तरह का कॉन्टेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों